बंटू बंटू संतोष जी। हाँ ये कौन है बंटू? बंटू बंटू गिनती है। गलत बात ना करो, देखो सवेरे की जो शहर है बता आनंद आ गया आज। क्या कहती हो? हाँ। है ना, ऐसा बढ़िया सुनहरा सुबह बहुत दिनों बाद हम देखे हैं। हाँ भाई क्यों ना हो, जब अपना बनाया हुआ प्लान जो है वो जब कामयाब और सफल हो जाता है तो भी बहुत अच्छा महसूस होता है। चुप पे रहिए जी, कुछ योजना आपका सफल नहीं हुआ है, कुछ सफल नहीं हुआ है। क्या है संतोषी जी, आप सवेरे सवेरे धतूरा खाई है क्या? अरे जी इतना जल्दी भुला गए हैं का? कल देव हम सबको सबके सामने कितना खरी खोटी सुनाया, हमको तो डर लग रहा है कि नहीं कि बहू पता नहीं क्या करेगी। अरे कहीं वो हम सबसे पीतक गई तब? अभी तक तो उसका बात व्यवहार सब बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो कहीं गुलकंद जैसा पलटी ना मार दे। अगर वैसा कर दी तो अब समझिए हमारा तो वह हाल होगा, न जातो गवाए अब भातो नहीं खाए। और देव देव को देखिए कैसा उसका साइड उसका पक्ष लेके उसके साथ खड़ा है और उसको 100 पे 100 दिए चला जा रहा है। सुनिए संतोषी जी, आप जो है ना गा रहा है, गाने का आवाज है। जय जय जय। अरे खुश रहो खुश रहो। बहुत बहुत खुशी रहो खुशी रहो। वाह बहू वाह। अरे तुम्हारा गले में तो सरस्वती जी का वास है, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का जो समागम है ना वो तो हम पहली बार देखे। हाँ जी धन्य हो गया, हमारा घर जो है धन्य हो गया। बहू सही है बेटा, तुम बहुत ही मीठा बहुत ही सुंदर बहुत ही मधुर गाय हो बेटा, मगर एक बात पूछना था तुमसे कि वो बेटा सवेरे सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करके हम लोगों का आशीर्वाद ले रही हो बेटा, आज कोनो खास दिन है का? नहीं माँ जी, हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि रोज सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वाह कितना सुंदर बात। देखी भाई देखो संस्कार कूट कूट के भरा हुआ। बहू तुमसे एक विनती है, ये हमारा गुड्डी को भी कुछ सिखा दो ये सब बातें। ए गुड्डी तुम भी सीख लो भाभी से। हाँ देखो कैसे मुंह बना रही है। माँ जी हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बहू,
तुमको परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे बेटा घर में नौकर है, चाकर है, वो बसंती है, जुगनू है, ये सब लोग हैं करने के लिए। हम तो तुमको पहले ही मना किए थे, बिल्कुल परेशान मत हो बेटा। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी माँ जी, अगर आप आपको इससे कोई आपत्ति ना हो तो हम रोज सबके लिए नाश्ता बना सकते हैं। वैसे भी हमारी माँ कहती है कि घर की बहू को ही घर की रसोई संभालनी चाहिए। वाह कितना सुंदर विचार है बेटा। हाँ हाँ बेटा कोनो दिक्कत नहीं, अगर तुम करना चाहती हो ना तो करो, खुशी से करो। जी, हमारा सारा शंका दूर हो गया। इतना सब होने के बाद हमको तो लग रहा था कि हमारा ई बहू भी हाथ से निकल गई, पक्का बदल जाएगी। लेकिन नहीं जी, अब तो देख के लग रहा है कि सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एकदम सही कह रही हैं संतोषी जी। हमको क्या लग रहा है, ये पायल बहू ही जानती है कि हम क्या चाह रहे हैं। भाई देखो हम कुछ ज्यादा तो मांग नहीं रहे उससे, है ना भाई, हम उतना ही तो चाह रहे हैं जितना एक बहू का ससुराल वालों के लिए करना फर्ज है। संतोषी जी भाग्य खुल गया है हमारा। अब भाई हम क्या चाह रहे थे कि बहू जो आए वो कमाऊ हो, महीना में अपनी तनख्वाह ला के हमको दे, इतना ही तो चाह रहे थे। ये तो भगवान हमको डबल दे दिया, एक घर भी संभाल रही है और बाहर आ रही है, है ना गजब। जी जी ठीक है, ठीक है जी। अरे इंदु जी नाश्ता लगाइए, ऑफिस के लिए देर हो रहा है। आप बैठिए हम लगवाते हैं। और नीलू कहाँ? नीलू कहाँ जाएगी, गई है अपना खेल कूद का प्रैक्टिस करने। अरे आलू के पराठे माँ। अलका बहू पायल का प्लेट भी ले आना। तो देखिए ना, हमको याद ही नहीं रहता है कि पायल इस घर से चली गई है। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, हम उनको लाड़ प्यार से पालते हैं, हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होती हैं, हमारे हर सुख दुख से जुड़ी होती हैं। कैसा अजीब रीत है ये। इंदु जी यही सच है, इसे स्वीकारना बहुत मुश्किल है, हमारे कलेजे का टुकड़ा अब हमारे साथ नहीं, अपने ससुराल में, लेकिन इसे सुखाना पड़ेगा इंदु जी। सही कह रहे हैं जी आप, हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी अच्छे घर में जाए, पर इस सपने की कीमत बेटी को दूर भेज कर चुकानी पड़ती है, बेटी दूसरे घर चली जाती है, पर इस बात का खुशी भी होता है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, साथ साथ ये चिंता भी होती है कि वो अपने नए घर में खुश है या नहीं, सब कुछ संभाल पाएगी या नहीं, वहां सब लोग उससे खुश होंगे या नहीं। माँ आप चिंता मत कीजिए, पायल जी वहाँ बहुत खुश होंगे और आपने जो संस्कार दिए हैं वो वहाँ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। भगवान करे बेटा ऐसा ही। बसंती दीदी सब्जी थोड़ी छोटी छोटी काटिए, बड़ी बड़ी काटेंगी तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। जी भाभी जी।
बसंती दीदी, जीरा और हींग कहाँ है? जी भाभी, अभी देते हैं। क्या हुआ बसंती दीदी, नहीं मिल रहा? नहीं भाभी जी, हम तो यहीं रखे हैं, वही हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये लीजिए भाभी जी, मिल गया। बसंती दीदी, सारे मसाले ना मसालदानी में ही रखिए, इधर उधर रखेंगे तो टाइम पे कभी मिलेगा नहीं और टाइम भी वेस्ट होगा। अरे डब्बे में शक्कर नहीं है, भर दीजिए। कहाँ है शक्कर? वो नीचे वाले खाने में। अरे नहीं नहीं, ऊपर वाले खाने में है, दाएं तरफ। नहीं नहीं, बाएं तरफ। हम तो वहीं रखे थे नीचे वाले खाने में। अरे आपको याद नहीं है, ऊपर वाले खाने में रखे थे। इस घर की किचन को संभालने की बहुत जरूरत है, हमें याद है। माँ बताती थी कि कैसे किचन रखना चाहिए। अरे कैसे रखियो बेटा, बेटा ऐसे सामान रखोगी ना तो समय पड़ने पे कुछ सामान जगह पर नहीं मिलेगा, और खाना बनाते समय आधा समय तो सामान खोजने में बीत जाएगा। ये देखो, जिस सामान का जरूरत कम पड़ता है उसको रखो पीछे ऐसे, और जिसका जरूरत ज्यादा है उसको यहाँ सामने, और आटा चावल बेटा इधर। ये यहाँ, इसी को कहते हैं रसोई सजा कर रखने का कला। और ये देखो, हल्दी मसाला जीरा ये सब भी सामने यहाँ। रसोई में हर चीज ढंग से रखी होनी चाहिए। हम आज नाश्ते के बाद रसोई का सारा सामान अच्छे से लगा देंगे। जी भाभी, इससे काम भी अच्छे से होगा और चीजें ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी। नाश्ता तैयार है, आप लोग इसे गैस से उतार के डाइनिंग टेबल पे लगा दीजिएगा, हम आते हैं तब तक। जी भाभी। इस घर में सवेरे सवेरे नई बहू का कदम रसोई में पड़ा है, हमको तो हमारी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। पायल राय जी का कुरियर है। वो अभी घर पे नहीं है, हम उनके भाई, आप हमें दे दीजिए। ठीक है सर, साइन कर दीजिए। थैंक यू। क्या है बेटा, बताओ तो। बेटा खोल के देख लो, अगर कुछ खबर इम्पोर्टेंट हुई तो पायल को बता देंगे। पायल के लिए कुछ लगता है बैंक से लेटर, देखता हूँ। बेटा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ पापा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कौन सी बात? पापा, एक गाड़ी आपने नहीं खरीदी हमारे लिए, पायल ने खरीदी है पापा। पायल बहू, हम अपना गलती सुधारना चाहते हैं। हमने जो भी किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी से ज्यादा जरूरी
गलती का एहसास होना है और वो भी दिल से। जी सती जी, जी हम कल से ऑफिस आना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप वो हमारी गाड़ी ससुराल के पते पे ही भेज दीजिएगा। हमने ससुराल का पता आपको लिखवाया था ना? जी वहीं पे। अच्छा नमस्ते। दादा का पोता सोनू। ए बंटी सुना नहीं दे रहा, रुको। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? चलो जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हमको ज्यादा ही नटरो भक्तिन बिल्ली की जैसा हमको तंग मत करो, नहीं तो तुम लोग का भी वही हाल करेंगे जो इन लोग का किए। दादाजी आपका नाम नटरो है क्या? और दादी जी आपका नाम भक्तिन बिल्ली है क्या? हट। हाँ बेटा सही बोले, यही दोनों हैं। चलो बच्चा लोग तैयार हो जाओ, स्कूल जाना जल्दी। हमें स्कूल नहीं जाना। देव चाचा वाली चाची, हम आपकी पायल चाची हैं। आप हमें पायल चाची कह सकते हैं। और आप हमें सोनू कह सकती हैं। और आप हमें बंटी कह सकते हैं। ए, हो गया बहुत मेल मिलाप। चलो अब स्कूल के लिए तैयार होना है। चलो हमें स्कूल नहीं जाना है। सुनिए, हमने ना ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक बनाया है। आप लोग जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, नहीं तो उसकी बर्फ पिघल जाएगी और वो ठंडा नहीं रहेगा। जाइए तैयार हो जाइए। हमें कुछ नहीं पता, हम स्कूल नहीं जाएंगे और हम तैयार भी नहीं होंगे। हमें स्कूल नहीं जाना है। देवरानी जी, ये लोग हमारा बच्चा, ये लोग को हमारा ही भाषा समझ में आता है। अभी बताते सोनू बंटी, ये लो 20-20 रुपए लो। और शाम को अगर और चाहिए तो बदमाशी नहीं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो यहां तो बच्चों तक की आदत बिगाड़ रखी है सबने। ये इनके भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने पायल को कितना गलत समझा, कितना उल्टा सीधा कहे उसे। आज जो हम काम कर रहे हैं ना, वो किसने शुरू कराया, किसकी वजह से? पायल की वजह से। और हम थे कि नहीं, पाप हुआ है हमसे, पाप बहुत बड़ा। वो ना हमें कभी दिल से माफ नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है, पायल जी का दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने जो आपकी मदद की है ना, वो कभी जत लाएंगी भी नहीं। सही कहा तुमने, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। जब अपनी मदद की बारी आती है ना, 10 बार सोचती है कि कहीं वो परेशान ना हो जाए, पर अकेली जूझती है। अब देखो, बैंक से हमारे लिए इतना बड़ा लोन लिया और हमें भनक तक नहीं लगने दी। भगवान ऐसी बहन ना किस्मत वालों को देते हैं। आप लोग यहाँ नीचे माँ बाबू जी नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे ना?
और ये सामान? जी भाभी जी, वो देव भैया ने कहा है उनका सारा सामान गेस्ट रूम में पहुंचा दे। गेस्ट रूम?